अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन पार्लर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिए। मेरी वीडियोस को आप यकीनन पसंद कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। किचन पार्लर में आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टर्ड हलवा, जिसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, 1.5 कप मैंने मैंगो ले लिया, उसे मैंने इस तरह से काट लिया, 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप पानी, 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/2 कप मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर में, और थोड़े से मैंने नट्स लिए हैं, काजू हैं और अखरोट हैं। तो चलें अब हम इन्हें मिक्स करते हैं। तो अब इसमें मैं ये आम डाल दूँगी, 1.5 कप जो मैंने लिया था, और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखें, मैंगो प्यूरी रेडी हो गई। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। अब मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं चीनी डालूँगी, कस्टर्ड पाउडर डालूँगी और पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना कि पाउडर और चीनी हल हो जाए, गुठलियाँ ना रहे इसमें। ये मिक्स हो गया अच्छे से, मिक्स हो गया। अब मैं इसमें आम की प्यूरी जो मैंने बनाई है वो डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी और इसे हल्की आंच पर तब तक हमने पकाना है जब तक ये थिक ना होना शुरू हो जाए। तो ये देखें, 7-8 मिनट मैं इसमें मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ, मुसलसल हिलाते जाने ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये थिक होना शुरू हो गया। मैं इसमें अब ऑयल डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम से नहीं डालना। देखिए, जैसे जैसे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ उसमें शाइनिंग आती जा रही है। मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे 5 से 7 मिनट और पकाना है, मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। थोड़े से मैं इसमें नट्स डाल दूँगी, थोड़े से मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो ये देखें कितना थिक हो गया, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब मैं आग बंद कर दूँगी और इसे मोल्ड में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने एक मोल्ड लिया है, इसे मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। कोई भी शेप का आप मोल्ड ले लें, चाहे स्क्वायर में ले लें, राउंड में ले लें। इसको अच्छी तरह मैंने ग्रीस कर लिया। अब इस मोल्ड में मैं वो हलवा निकाल के सेट होने के लिए रख दूँगी। अब मैं ये इसमें निकाल दूँगी। इसमें मैंने निकाल दिया। अब मैं इस पर थोड़े से नट्स डाल दूँगी। और इसे मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 घंटे रखा, ये सेट हो गई। अब मैं इसे निकाल लूँगी और कटिंग करके दिखाऊँगी। ये देखें कितनी इजीली मोल्ड से निकल आई है। मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी।
सॉफ्ट हाथों से आराम से आपने करना है। कितनी अच्छी सेट हो गई। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसके जिस मर्ज़ी शेप में स्लाइसेस काट लें। मैं पहले सेंटर में निशान लगा दूँगी, मैं स्क्वायर में इसके बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट आपका मैंगो हलवा कह लें, मैंगो बर्फ़ी कह लें, ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक, चेक करें इसकी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।